भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बंगाल के दौरे पर हैं और कल जब वो रैली करने जा रहे थे तो उनके काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। नड्डा तो बच गए लेकिन बीजेपी के कई स्थानीय नेता, कई कार्यकर्ताओं को जबरदस्त चोट लगी है। अब इस हमले पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमले के पीछे बीजेपी की नौटंकी है। जवाब में नड्डा ने कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है और सड़कों पर चलना भी अब गुनाह हो गया है। बंगाल के सियासी बवाल की ये सबसे ताजा और सबसे हिंसक तस्वीर है जो गवाही दे रही है कि बंगाल का सियासी मिजाज किसी को नहीं बख्शता, फिर चाहे वो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो। पत्थरों से चकनाचूर गाड़ियों के शीशे उसी काफिले का हिस्सा हैं, जिस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे। लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन के दौरे के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में थे। उनका काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी उनका सामना टीएमसी का झंडा उठाए भीड़ से हो गया जो बीजेपी के काफिले पर टूट पड़ी। काफिले पर पत्थरों की बरसात कर दी। बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पता नहीं क्या होता। बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर हुए हमले में जेपी नड्डा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लेकिन बंगाल में हुए इस हमले की धमक दिल्ली तक सुनाई दी। बैठकों का दौर शुरू हो गया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घटना की जानकारी दी, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर जरा सी चूक हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ममता सरकार से पूछेगा कि सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बंगाल की राजधानी कोलकाता के करीब डायमंड हार्बर इलाके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। कोई काला झंडा दिखा रहा था तो कोई पत्थर लेकर खड़ा था, कोई डंडा लेकर खड़ा था। और जैसे ही भीड़ के बीच गाड़ियों का काफिला पहुंचा, हमला शुरू हो गया। हमले में गाड़ियों के शीशे टूट गए। जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए लेकिन विजय वर्गीय चोटिल हो गए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सब बीजेपी की साजिश है। उनका कहना है कि भीड़, ये झंडे, ये पत्थर चलाने वाले डंडे चलाने वाले सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब किया गया। और भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश